हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8th एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कि किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल हो सकता है और क्यों। सेकंड केस है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, और हमें निकालना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। क्लियर है? हाँ, तो अब इसको करने के लिए बड़ा ही आसान है, ये इसको आसानी से कर लेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे वही जो हमारा पुराना फार्मूला है उसका। कौन सा? देखते हैं। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको लाइक आएगा, पसंद आएगा। शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कमेंट कीजिए अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो। ठीक है, सॉल्यूशन 6। यहाँ पे ए पार्ट है, हमें निकालना है मिनिमम इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अगर हम इसको इंटीरियर एंगल की बजाय एक्सटीरियर एंगल लेके चले तो ज़्यादा आसानी से होगा और हम अच्छे से प्रूव भी कर देंगे। लेट करते हैं हम एक बार कि हमारे पास क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अगर ये आपकी सबसे ज़्यादा जब होगी, जितनी सबसे ज़्यादा ये हो सकती है ना, उतना ही ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमें निकालना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम कब आएगी, जब ये सबसे कम होगी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड सबसे कम होगी। और नंबर ऑफ साइड सबसे कम कब होती है, नंबर ऑफ साइड सबसे कम रेगुलर पॉलीगन के केस में होती है 3। क्लियर हुआ? ये टोटल ओवरऑल मैक्सिमम तब बनेगा जब ये मिनिमम होगा, और मिनिमम एन क्या होती है रेगुलर पॉलीगन के केस में, 3। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से हम, हमारे लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है वो आया 120 डिग्री। ठीक है, तो अब जब एक्सटीरियर एंगल आ चुका है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो फिर मिनिमम, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं 4 360 बाय एन मैक्सिमम, एन मस्ट बी मिनिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज 3। ओके, तो अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकल गया, तो अब मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है हमें। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, मतलब जैसे से ये बढ़ेगी वैल्यू ये कम होती चली जाएगी, और जैसे से ये बढ़ेगी तो ये ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना ज़रूरी है। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल मस्ट बी मिनिमम देन इंटीरियर एंगल कितना हुआ 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 120 है तो ये हुआ 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा हुआ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट द वीडियो वेन एवर द वीडियो इज बीइंग अपलोडेड इन द यूट्यूब यू विल बी एबल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। ओके बाय।